मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनावी रंग में रंग गई हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं, कई सर्वे भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ऐसे सर्वे को लेकर बड़ा बयान आया है। कमलनाथ की माने तो पार्टी किसी तरह का कोई सर्वे नहीं करा रही है, लेकिन ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग सर्वे के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं सर्वे के नाम पर और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये शिकायत आई है कि हम कोई सर्वे नहीं करा रहे। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सावधान रहें, ये कोई सर्वे के नाम पर कोई आए कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, मुझे पीसीसी ने सर्वे करने के दिया, हाईकमांड ने सर्वे करने के लिए दिया, कमलनाथ ने सर्वे करने के लिए दिया, ये बिल्कुल गलत है। कमलनाथ ने इसके साथ ही ये भी साफ किया कि पार्टी का लक्ष्य पहले चुनाव जीतना है, इसके बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। ये पहले हम चुनाव जीते, इन सब बातों में सीएम कौन होंगे, हाँ, इस सब में चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं, पहले हमें चुनाव जीतना है। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे कमलनाथ। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि टिकट वितरण में स्थानीय प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।